बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ हरी चटनी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं सूजी टोस्ट। तो चटनी बनाकर मैं पहले ही रख लेती हूँ, ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ जब भी मुझे हरी चटनी के साथ कोई ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, और ये फटाक से बन भी जाता है। तो आज मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे किसी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लेना। तो आज हो सकता है कि शाम को जाऊंगी, और कभी कभी क्या होता है मैं खुद से ही कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं पूरे दिन का काम करने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं कहीं जाऊँ। तो इसलिए आज सोचा तो है, लेकिन शाम होने देते हैं अगर जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सूजी, और इसको थोड़े से मलाई के साथ मैं भिगो के रख लूँगी ताकि सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जब बिल्कुल अच्छे से भीग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इसको 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट ही बहुत होता है, 5 मिनट रख दूँगी। अब 5 मिनट के बाद इसमें मैंने बॉयल्ड कॉर्न मिला दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये वाला कॉर्न इतना मीठा है ना कि मैं क्या बोलूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कॉर्न मीठे नहीं आते तो फिर बेकार हो जाता है और फेंका भी नहीं जाता है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया, और उसको पतला करने के लिए ऊपर से मैंने इसमें शिमला मिर्च डाला, और थोड़े से कटे हुए प्याज, हरी मिर्च वगैरह डालकर, और उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था। तो ये सब मिक्स करके अभी इसको मैं ब्रेड को कर दूँगी रोस्ट। एक तरफ जब ब्रेड थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उस पर वो जो बैटर बनाया है वो मैं लगाऊंगी। तो वही मैं कह रही थी कि कभी कभी मैं खुद मैं बोलती हूँ कि नहीं जाना है, फिर जीविका बहुत चढ़ जाती है, कहती है मम्मा आप प्लान बनाते हो फिर नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है कि इसी बहाने से बाहर निकलते हैं, और कहाँ ले जाएंगे अब बच्चों को, स्पेशली तो हम कहीं ज़्यादा जाते ही नहीं हैं। तो फिर जीविका कहती मम्मा आप कैंसिल मत कर देना, आप हमेशा यही करते हो, पहले बोलते हो जाना है फिर बोलते हो नहीं जाना है। तो यहाँ पर ब्रेड साइड से रोस्ट हो गया था, उसके बाद ऊपर से मैं ये बैटर लगा रही हूँ, और जहाँ मैं दिखूँगी वहाँ ऋषभ दिखेगा ही। छोटा सा मतलब सामान सारा उलट पलट कर दिया है, जिसको ठीक करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलाऊँगी, थोड़ा सा ऋषभ थोड़ा बड़ा हो जाए फिर सब कुछ मैनेजेबल दिखेगा। तो इसे मैंने टर्न कर दिया है, और इसे इस तरीके से पकाऊँगी ताकि अंदर तक जो सूजी है पक जाए। तो देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, मेरा ब्रेकफास्ट बनकर हो गया है तैयार, और इसे मैं सर्व करूँगी हरी चटनी के साथ, और साथ में थोड़ा सा हेल्दी स्प्राउट्स, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं चलिए ब्रेकफास्ट देती भी हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करती भी हूँ, क्योंकि आज साथ में ही ब्रेकफास्ट बना लिया है। तो मेरा भी ब्रेकफास्ट आ चुका है, और हम बात कर रहे हैं, ये कुछ अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उनको कोई स्क्रिप्ट आया था तो वही मुझे बता रहे हैं कि ऐसा स्क्रिप्ट है और बोल कर। तो मैं ज़रूर सुनती हूँ इनके स्क्रिप्ट को और फिर हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ सब्ज़ियाँ काटने लगी, सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, एक बैंगन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और अभी भी वही स्क्रिप्ट पे ही बात हो रही है, क्योंकि ऐसे ही हम क्या होता है पहले चूज़ करते हैं करना है कि नहीं करना है उसके बाद ही, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर लेते। तो यहाँ पर मैंने बैंगन आलू को धो लिया, और बैंगन को थोड़े से तेल में मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बैंगन हुई या गोभी मैं हमेशा बनाने के पहले उसको मतलब फ्राई कर लेती हूँ ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने डाला है मेथी तेल में, और ये है सरसों का मसाला। सरसों के मसाले में मैंने थोड़ा सा सरसों डाला है, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी काली मिर्च डाली है, जीरा डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, और हरी मिर्च वो डालकर पेस्ट बनाया था। तो ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार है, दाल बना हुआ था, और ये है आज का हमारा लंच, दाल सब्ज़ी सैलेड और रोटी। ये लंच बहुत ही सिंपल ही नहीं बहुत ही टेस्टी भी है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लंच पे भी बात कर रहे हैं कि अभी जाना है कि नहीं। तो जीविका सामने बैठी है, और जीविका सोच रही, बार बार बोल रही है मम्मा ऐसे ही करती है, कह रहे खाना बहुत अच्छा बनाया है तूने। तो आ गए हम मॉल में, फाइनली जीविका ज़िद करके लेती आई, और जो भी लेना था वो ले लिया। फिर जीविका ने बोला बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो मैं मैटी आ गई लेने के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर निकले और बिना कुछ खाया है ये तो पॉसिबल होता नहीं है। और जो मैंने लिया है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, क्या मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से जो मुझे चाहिए था उन्होंने क्या क्या दिलाया, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो आपको भी ज़रूर बताऊंगी, है ना। यहाँ पे वेट कर रहे हैं और आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़ोर की भूख लगी। जीविका मम्मा कब आएगा कब आएगा, मैं बोली आएगा आएगा रुक जाओ वेट करो। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, और अब बस घर की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम कार में ही खा लेंगे, क्योंकि घर जाते जाते तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे ऋषभ के साथ,
ये शूज़ खोलकर फेंक रहा था, तो वही कह रहे हैं इसको तो शूज़ पहनाना ही बेकार है उसको चलना होता है ना, दौड़ना होता है, तो वो इस तरीके से मस्तियाँ करता है। और आजकल तो मैं उसको नीचे थोड़ा चलने के लिए छोड़ देती हूँ, गोदी की आदत बहुत बेकार होती है तो इसलिए। और बाहर आ चुके हैं, गाड़ी इतनी बाहर गर्मी है ना पूछो मत। अब बस खाएंगे और फिर घर को जाएंगे। आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने प्रेशियस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे तो मैं आगे एक दिन ज़रूर बढ़ूँगी। आप लोग ऐसे कमेंट्स कहते हो ना, आप ज़रूर ग्रो करोगे, आप ज़रूर ये होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझ पर हिम्मत आती है। वरना तो मुझे कभी कभी लगता है मैं मेहनत किए जा रही, कुछ हो ही नहीं रहा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।